हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। दिस इज साइंस ओलंपियाड क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 11। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये गिवन स्टेटमेंट्स रीड करनी है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1। अ सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 1 हैज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 3। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका pH है 1 और हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका pH है 3। जो pH 1 वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो 3 गुना ज़्यादा है pH 3 से। तो हमें पता है हमारे पास होती है एक pH स्केल जो कि होता है 0 से लेकर 14 तक और बीच में होता है 7 जो कि दिखाता है न्यूट्रल को। 7 से 0 की तरफ होता है एसिडिक और 7 से 14 की तरफ होता है बेसिक। जो नंबर 6 होगा वो कम एसिडिक होगा और जो नंबर 0 होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह बेस के केस में भी जो 14 नंबर पे pH होगी वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। तो अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक का pH है 6 और एक का pH है 5, तो हमें पता है कि जो pH 5 है ये ज़्यादा एसिडिक होगा, लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा एसिडिक होगा 6 से। जो pH 5 है ये 6 से 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह अगर हमारे पास है pH 4 और एक है हमारे पास pH 3, तो जो pH 3 है ये 4 से 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है pH 1 और pH 3, तो 3 से लेकर 2 तक ये हुआ 10 टाइम्स और 2 से लेकर 1 तक ये हुआ 10 टाइम्स, तो टोटल हुआ हमारा 100 टाइम्स। तो pH 1 हमारा pH 3 से 100 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन स्टेटमेंट में लिखा गया है 3 टाइम्स जो कि हमारा इनकरेक्ट है। जो pH 1 है वो pH 3 से 100 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है, ना कि 3 टाइम्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है। उसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 2। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 अपॉन हाइड्रोनियम आयन। जो हाइड्रोनियम आयन है उसको हम दिखाते हैं H3O पॉजिटिव से, या हम इसको दिखा सकते हैं H पॉजिटिव से जो कि है एक्वस। अब इसके बाद हम देखते हैं किसी नंबर का अगर हम लॉग निकालें तो वो कितना होगा। तो अब हम लेते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास है बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि बी की कोई पावर है जो कि इक्वल है एक्स के। अगर हम इसको लॉग की टर्म्स में लिखें तो इसे लिखा जाएगा लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये हमारी इक्वल हैं, या ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल। हमको दिया गया है लॉग 2 8 इज इक्वल टू एक्स। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि 2 की हम क्या पावर रखें कि हमारे पास 8 निकल कर आए। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि 2 की क्या पावर हो कि जो आंसर हो वो 8 हो। तो हमें पता है 2 की पावर 3 हमारा 8 के इक्वल होता है, तो 2 की जो रिक्वायर्ड पावर है वो है 3। तो जो ये एक्स है ये होगा हमारा 3। एग्जांपल नंबर 2। हमें दिया गया है लॉग 5 125 इज इक्वल टू एक्स। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो 5 की हम क्या पावर ले कि जो हमारा आंसर है वो 125 हो। तो 5 की जो पावर है वो हम लेंगे 3, जिससे जो हमारा आंसर है वो होगा 125। तो ये जो एक्स है ये है हमारा 3। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। इसमें लिखा गया है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 अपॉन हाइड्रोनियम आयन। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। pH की जो वैल्यू होती है वो होती है लॉग 1 अपॉन हाइड्रोनियम आयन। इसमें दिया गया है माइनस लॉग, ये हमारा इनकरेक्ट है। जो करेक्ट वैल्यू है वो है pH इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन हाइड्रोनियम आयन, ये हमारी करेक्ट वैल्यू है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज वाई। व्हेन इट इज़ हीटेड जेड इज़ प्रोड्यूस्ड।
which make bread and cake soft and spongy. X, Y and Z are respectively. हमारे पास एक बेकिंग पाउडर जो कि एक मिक्सचर है X का और Y का. जो Y है ये एक एसिड है. जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है तब Z प्रोड्यूस होता है जो कि ब्रेड या केक को सॉफ्ट या स्पॉन्जी बनाता है. हमें बताना है X, Y और Z क्या है. तो जब बेकिंग पाउडर होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक होता है बेकिंग सोडा और एक बेकिंग पाउडर के अंदर होता है एडिबल एसिड जो कि हो सकता है टार्टरिक एसिड. जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है CO2, जिसकी वजह से जो केक और ब्रेड हैं वो फूल जाते हैं और सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. जो बेकिंग सोडा है उसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. जो एसिड है वो है टार्टरिक एसिड और जो गैस है वो है CO2. क्वेश्चन नंबर 13. अ मेटल कार्बोनेट W ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स अ गैस X विच व्हेन पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन Y गिव्स द कार्बोनेट बैक. सॉल्यूशन Y रिएक्ट्स विद गैस Z टू फॉर्म ए कंपाउंड P यूज्ड फॉर डीकलराइजेशन. आइडेंटिफाई W, X, Y, Z एंड P. हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट W, वो रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ. एसिड के साथ रिएक्ट करने पर एक गैस रिलीज होती है जो कि है एक्स. अगर इस गैस को हम सॉल्यूशन वाई में से गुजारें तो जो मेटल कार्बोनेट था वो दोबारा मिल जाएगा. ये जो सॉल्यूशन वाई है ये रिएक्ट करता है गैस जेड के साथ और बनाता है कंपाउंड पी. पी का हम यूज़ करते हैं डीकलराइजेशन के लिए, यानी कि कलर रिमूव करने के लिए. हमें पता है डीकलराइजेशन के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2. तो कंपाउंड पी हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है. तो कंपाउंड पी में जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट हो सकता है. अब हमें सिर्फ वेरीफाई करना है ऑप्शन नंबर डी को. तो सबसे पहले था एक मेटल कार्बोनेट W, तो इसमें दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक मेटल कार्बोनेट है. ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स ए गैस X. अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि करेक्ट है. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्यूशन Y में से निकालें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा मिलेगा. तो ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ये है सॉल्यूशन Y जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इन दोनों को मिक्स करने पर हमें दोबारा मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट. ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. उसके बाद लिखा गया है सॉल्यूशन Y रिएक्ट विद गैस Z टू फॉर्म P. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Z के साथ रिएक्ट करता है जो कि है क्लोरीन गैस और हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर. ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो जो ऑप्शन नंबर D है ये वेरीफाई हो गया है. ऑप्शन नंबर D है हमारा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. हमें कॉलम फर्स्ट को मैच करना है कॉलम सेकेंड से. सबसे पहले है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में. तो ए का है हमारा सेकेंड, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट का हम यूज़ करते हैं वाटर में से हार्डनेस रिमूव करने में. उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर. इसका हम यूज़ करते हैं वाटर को डिसइनफेक्ट करने के लिए. इसके बाद है लास्ट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इसको हम कहते हैं POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस. इससे हम बना सकते हैं टॉयज़ एंड मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन. तो डी का है हमारा फोर्थ. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 15. स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई X एंड Y रिस्पेक्टिवली. इस डायग्राम में एक टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर है कॉमन सोल्ट यानी कि NaCl.
और हमने ड्रॉपर के साथ डाला एक्स। उसके बाद एक वेपर निकली इस सॉल्यूशन में से जिसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये जो गैस थी ये हमारी एसिडिक गैस थी। हमें बताना है एक्स और वाई क्या है। तो सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम सॉल्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो वो रिएक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर हम सोडियम क्लोराइड में H2SO4 ऐड करेंगे तो वो दोनों रिएक्ट करेंगे। तो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4, हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद है ऑप्शन सी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और जो गैस है वो है हाइड्रोजन। ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। जो सोडियम क्लोराइड है वो HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और ना ही वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, NaCl रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक गैस। जब हाइड्रोक्लोरिक गैस पास होगी तो जब वो मॉइस्ट ब्लू लिटमस के कॉन्टैक्ट में आएगी तो लिटमस पेपर का कलर हो जाएगा रेड, क्योंकि ये जो गैस है ये एसिडिक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक।